साथियों नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। देखो आज एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि जो लोग गलत करते हैं, जो घूस लेते हैं या इलीगल एक्टिविटी करते हैं, वो 1,000 रुपए लेने के चक्कर में या 1,000 कमाने के चक्कर में अगले का लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं, यहाँ तक भी चल जाता है। हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि कुछ पैसों के चक्कर में क्वारंटाइन के नियमों को ताक पे रख के हजारों लोगों के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। जी हाँ, मुंबई छात्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम बात करेंगे कोरोना गाइडलाइन और क्वारंटाइन नियमों के खिलाफ मामला सामने आया। जी हाँ, इसमें मैटर क्या हुआ, 3 बंदे थे, मैं बताता हूँ सीधा सीधा। एयरपोर्ट पे दिनेश गाड़े और उनके 2 साथियों अशरफ सारंग और विवेक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसका रीजन क्या था मैं बता दूं, इन तीनों बंदों को एयरपोर्ट पे, आपको पता है भाई बॉम्बे एक हब है कोरोना का, बॉम्बे ही आपको पता है एयरपोर्ट पे, विदेशी लोग भी आते हैं एयरपोर्ट पे, तो बता दूं वहां पे आपको पता ही है कि भाई धड़ल्ले से लोगों को क्वारंटाइन न करने के बदले में ये तीनों लोग पैसे ले रहे थे। जी हाँ, देश भर में कोरोना वायरस के वैक्सीन लगाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट के ऊपर विदेश से आने वाले हर यात्रियों को अनिवार्य रूप से कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन करने का नियम है बॉम्बे में, आप सबको पता ही है। हालांकि बॉम्बे एयरपोर्ट पर इस नियम को ताक पर रख दिया गया इन तीनों लोगों ने। जी हाँ, डिटेल से बताएंगे, वीडियो साथ लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये तीनों जो लोग थे, मैंने नाम बताया, ये तीनों आदमी क्या करते थे, जो लोग विदेश से आते थे उनको पैसे लेते, बदले में क्वारंटाइन से बचा देते, यानी पैसे लेके सीधा उनको घर भेज देते, क्वारंटाइन का चक्कर नहीं था। बदले में देखिए पूरी स्टोरी सुनिए, दिनेश को रंगे हाथों पकड़ा गया। अधिकारियों ने अपने बयान में बताया कि उसने स्वीकार भी कर लिया कि जो लोग विदेशी नागरिक आते थे उनको क्वारंटाइन बचाने के लिए हम उनसे बदले में पैसे लेते थे। जी हाँ, पुलिस ने जब उसकी दिनेश की बैग को चेक किया तो बता दूं सऊदी अरब की करेंसी के 35 लाख रुपए नकद निकले, 200 सऊदी रियाल निकली और होम क्वारंटाइन करने के नकली रबर स्टाम्प, कुछ लेटर हेड और कुछ डॉक्टरों के साइन भी बरामद हुए। यानी एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था कि जो जैसे कोई बंदा आया 10,000, 5,000, 20,000 जो भी इनकी फीस होती वो पैसे लेते, बदले में सब कुछ नकली हेड लेटर हेड बना के उनको दे देते, बंदा सीधा घर के लिए निकल जाता था। अब पुलिस जांच ये कर रही है कि आरोपी ने फेक स्टाम्प, रबर स्टाम्प ये बनवाए कैसे, कहां से बनवाए। दिनेश को हालांकि पुलिस सस्पेंड कर दिया है, उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जी हाँ, ये आपको बताइए साथियों, दिसंबर 2020 के बाद में बीएमसी और राज्य सरकार ने जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन आया था उसके बाद सख्ती बढ़ा दी थी। उसको ज्यादातर बॉम्बे में कौन आते हैं भाई, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए इम्पोर्टेंट से कुछ दिनों के लिए जो क्वारंटाइन आपको पता है स्टार्ट कर दिया गया था। जी हाँ, बीएमसी ने 23 दिसंबर से एयरपोर्ट पर इन तीनों आरोपियों को दुबई, कुवैत, अमेरिका के जो यात्री आ रहे थे उनको जांच के लिए तैनात किया गया था। लेकिन जी हाँ, लेकिन इसी बीच बीएमसी, आपको पता है भाई जो गलत करेगा ना वो कितने दिन चलेगा, बीएमसी को सूचना मिल गई कि क्वारंटाइन के नाम से, छोड़ने के नाम से यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। जी हाँ, इस मामले की जांच शुरू की गई, तीनों आरोपी पकड़ लिए गए। जी हाँ, बीएमसी ने खुद ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने इन लोगों से झांसे में न आने की अपील की है भाई, पुलिस ने बोला कि ये मामला है कि इन जैसे लोगों से झांसे में आने से बचें, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, पैसे देके क्वारंटाइन से बचने का ये गलत तरीका है, क्योंकि इन लोगों की वजह से कितने लोगों की जान जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे दिन में 10 लोगों को क्वारंटाइन से छूट पैसे लेके दे देते हैं और उनमें से कौन बंदा कोरोना पॉजिटिव एयरपोर्ट पे हो जाए, प्लेन में हो जाए, वो सीधा लोगों से मिलता है, तो कितने सोचने की बात ना, कितने लोगों को बर्बाद होना पड़ सकता है। तो इन चीजों से सरकार ने आगाह किया है कि इन चीजों से बचें, बाकी इनको तो पकड़ लिए, इनको तो सजा मिलनी, नौकरी गई, पैसे थे वो जब्त हो गए, सब कुछ खत्म हो गया इनका। तो बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।